राजस्थान के अंदर प्री बजट की बैठक को अचानक स्थगित करके सीएम भजन लाल शर्मा दिल्ली पहुंच गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात। आप सभी को बता दें कि मुलाकात के पीछे की वजह, राजस्थान में जो 11 सीटों के ऊपर भाजपा की हार हुई है, उस हार को लेकर के मंथन और रिपोर्ट पीएम नरेंद्र मोदी को सौंपने के ऊपर। लेकिन इसी बीच आप सभी को बता दें कि इसमें जो बैठक की गई थी, इस बैठक में समाधान निकाला गया था कि आखिरकार ये जिम्मेदारी किसके ऊपर है। क्या राजस्थान के मंत्रियों, नेताओं और जो नए नए विधायक बने हैं उन सभी की जिम्मेदारी इसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, या फिर पुराने नेता जो अभी हाल ही में उनको टिकट नहीं दिए गए थे उनके ऊपर भी विचार मंथन किया गया था। तो हाल फिलहाल क्या कुछ अपडेट सामने आई है, दिखाते हैं हमारी ये रिपोर्ट में। सीएम भजनलाल शर्मा ने आज दिल्ली पहुंचकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सीएम भजनलाल पहले से तय प्री बजट बैठक को स्थगित करके दिल्ली पहुंचे थे। माना जा रहा है कि सीएम भजनलाल ने बैठक में पीएम मोदी को लोकसभा चुनाव की परफॉर्मेंस को लेकर फीडबैक दिया। प्रदेश के आगामी बजट और योजनाओं को लेकर के पीएम मोदी से चर्चाएं भी हुई। लोकसभा चुनाव के बाद सीएम भजनलाल पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे, लेकिन वहां दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हो पाई। ऐसे में आज सीएम भजनलाल और पीएम मोदी के बीच हुई मुलाकात को काफ़ी अहम माना जा रहा है। सीएम भजनलाल ने दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा, आवास एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर से भी मुलाकात की। अपने एक्स अकाउंट पर इस मुलाकात की फोटो शेयर करते हुए सीएम भजनलाल ने लिखा, केंद्रीय मंत्री के साथ राजस्थान से जुड़े विकास व विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा के नए स्रोतों की बढ़ोतरी, आधुनिकीकरण और नवीन टेक्नोलॉजी के उपयोग सहित विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए इतना ही, बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार।